साधु जी, ओ साधु जी, ओ साधु जी, मन में राम नाम जपिए। राम नाम के जाप से ही हनुमान जी सुनते हैं। ये भभूति वहां पहुंचो। हम आपको मार्गदर्शन देंगे, चलना आपको है, कर्म आपको करना है, तो निश्चित रूप से सफलता होगी गुरु कृपा से। पहला आदेश, जिस दरबार पंडाल में हम बैठे हैं, इसी पंडाल में दाहिने हाथ की दूसरी नंबर जो दूसरी नंबर की जो डी है, मतलब दो तीसरी नंबर की जो एलईडी लगी, उस मध्य में आरती नाम की एक बहन जी विराजमान है, उनकी अर्जी स्वीकार है, आ जाइए, मध्य में ही बैठे हुए हैं। हाँ, खड़ी हो जाएं, कोने से आइए। हाँ, आ जाने दो। नंबर दो, बोलो जय सिया राम। बालकों में पुरुषों से अर्जी, नंबर पंडाल नंबर तीन। हाँ हाँ, जल्दी आओ, जो झंडा लिए उन्हीं के पास में माता जी को भेज। कोने की तरफ पुष्पेंद्र नाम का बालक विराजमान है इस पंडाल में, इस दाहिने, हाँ दो नंबर, हाँ जो बीच में सफेद रंग के कपड़ा पहना हुआ बालक, नाम पुष्पेंद्र है, घर पर भी अर्जी लगा कर आया है। खड़े हो जाओ, आ जाओ, आपकी अर्जी स्वीकार है। यही टी शर्ट पहने, आ जाओ। नंबर चार, हाँ इन्हीं को भेज दो सफेद। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी, जाकट वाले भाई साहब दिखाई दे रहा है तुम हमें, जल्दी आना है। नंबर पांच, तीन, जय सिया राम, जय सिया राम। लास्ट में पंडाल के बाहर एक कोई बैन रखी गाड़ी, गाड़ी के पास में एक भाई साहब खड़े, बबलू, बबलू आपका घर का नाम गुड्डू है, आप आ जाएं, आपकी भी अर्जी स्वीकार है। जो अच्छा, आने की रास्ता तो पर्याप्त है ना, आ रहे हैं है? आ रहे हैं, वो कहां गए? हाँ इन्हें टंगे रहने दो, आ जाओ जल्दी आओ। चौथी अर्जी बोलो, राम 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 राम, साधु जी। बैठ जाओ। इसी डी में जो पहली डी है, डी मतलब ये जो बैरिकेटिंग लगी, यहां एक दादा गुरुजी की फोटो लिए बैठे हैं, आ जाइए, आपकी अर्जी स्वीकार है। सिर में तौलिया बांधे दादा गुरुजी की फोटो लिए, हमारे दादा गुरुजी की। हाँ हाँ, आ जाइए। मोबाइल बेल्ट पर्स कोई भी नजदीक नहीं लाएगा और स्पर्श नहीं करेगा। अंगली आज्ञा, राम, बालाजी सीताराम, 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 सीताराम। मध्य में इसी पंडाल से दिव्या नाम की बहन जी विराजमान है यहां, आपकी अर्जी स्वीकार है। बहन जी आप भी आ जाओ, दूसरी डी से मध्य में दिव्या बहन जी आइए। हाँ हाँ हाँ, सफेद दुपट्टा। इसके बाद राम 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 राम,
पहले जब तक ये भेजो, गुरुजी की आज्ञा लगी है। जय हो गुरुदेव। पहला कोई भी, पहले वो भैया कहाँ है, वो जाकट वालों कहाँ गो, आओ है, आ तो जा, आगे के लगे थे बहुत बदमाश आ नकटा। आइए नजदीक। साधु जी, क्या नाम है जी? आप माइक लो, माइक कहाँ है? इधर आओ, नजदीक आओ। ठीक है, हमने लिखा आपको जो भी प्रश्न करना हो, हमें जो बालाजी की आज्ञा लगी हमने लिखा, आप प्रश्न करिए। मैं अपने कर्ज से परेशान हूँ, घर में कलश बना रहता है। अच्छा, कहाँ के हो आप? इमली खेड़ा के। इमली खेड़ा यहीं पास में है क्या कहीं? वो रिंग रोड से जहाँ पीछे की तरफ वाला नहीं, हवाई पट्टी हाईवे पे है। अच्छा, यहीं कहीं होगा। अच्छा, हम कैसे माने कि तुम्हारी अर्जी लगी? तुम्हारे पिताजी का नाम भी लिखकर इस पर्चे में आया है, और ये भी आया है कि कितना कर्जा है। क्या नाम है पिताजी का? कुंदन माहौरे। हाँ, प्रश्न, आप पढ़े लिखे हो? माइक से जो बोलना माइक जी, अच्छे से पढ़ ले जी, पढ़िए। हमने ये लिखा, आपके घर में लड़ाई होती, कलेश बहुत बन जाता है, कर्जा की समस्या बनी, 10 लाख से ऊपर हो गया। पिता का नाम कुंदन है, स्वयं पंकज है, एक अन्य नाम उर्फ चलता है, 2 वर्ष के अंतर चुक जाएगा, आशीर्वाद है। बिल्कुल सही है गुरु जी। क्या पर्चा यही बोल रहा जी? यही पूछने आए हो जी? सर, कोई भी भूत बाधा नहीं है, गलत निर्णय के कारण कर्ज बना है, एक व्यक्ति ने धोखा भी दिया है, नया बिजनेस करना चाहते हो, नए काम की भी अर्जी लेकर आए, सिर में व पेट में पीड़ा बनी रहती है, ये भी ठीक हो जाएगी, कर्ज आपका 2026 तक चुकेगा, लेकिन हनुमान जी गड़ा हुआ धन नहीं देंगे, बिजनेस करना पड़ेगा, सफलता का हमारी तरफ से आशीर्वाद है। क्या बात, एकदम सही। उपद्रवी तुम बहुत हो, गलत संगत में फंसे, अब शिकायतें ना मिले, हम बेइज्जती नहीं कर रहे। जा बेटा, डरो ना, अब हम सुधर गए, बहुत सुधर गए, हम पहले थे बहुत खतरनाक। हाँ, कुछ सुन, हाँ, ये मंत्र है इसमें, के कलेश के लिए तुम धाम आ जाना, हम उपाय दे देंगे, एक कवच दे देंगे, और जाओ, तुम्हारे घर में आज से ही सुख शांति रहे। आइए अगला नंबर।